स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हम इंसानों की मूल प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि हम किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकते। इंसान की फितरत है कि वो कुछ नया जानना और कुछ नया सीखना चाहता है। फिर चाहे फायान हो, विंसांग हो या फिर वास्को डी गामा, इन सब ने कुछ नया जानने और खोजने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा की। देखा जाए तो घूमना और यात्रा करना ह्यूमन बींग्स का बेसिक नेचर है। इसलिए मशहूर शायर ख्वाजा मीर दर्द ने कहा है कि सैर कर दुनिया की काफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां। बेसिकली हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक देखने के लिए इतना कुछ है कि शायद ही किसी के लिए पॉसिबल हो कि वो एक लाइफ में सब कुछ देख ले। लेकिन अगर हम किसी थीम के अकॉर्डिंग विजिट करने का प्लान करें तो शायद हमें किसी एक थीम का कंप्लीट पैकेज एक ही यात्रा में मिल सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2015 में थीम बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट और डेवलप करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की, जिसमें कई टूरिस्ट सर्किट्स को आइडेंटिफाई किया गया और फिर उन्हें डेवलप करने की दिशा में काम शुरू हुआ। फिर 2023 में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 भी लॉन्च की गई। इसके अंतर्गत टोटल 15 थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स को आइडेंटिफाई कर उनको इंफ्रा, कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करने पर काम चल रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम एक एक कर इन्हीं 15 टूरिस्ट सर्किट्स के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन सर्किट्स के बारे में जाने, ये बात जान लेनी बेहद ही जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने टूरिस्ट सर्किट्स को कैसे डिफाइन किया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अकॉर्डिंग किसी भी टूरिस्ट सर्किट में एटलीस्ट 3 मेजर टूरिस्ट प्लेसेस का होना जरूरी है, जो न सिर्फ डाइवर्स हो बल्कि डिस्टिंक्ट भी हो। इसके अलावा उन टूरिस्ट प्लेसेस में वेल डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का भी होना जरूरी है। अब आइए एक एक कर इन टूरिस्ट प्लेसेस को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू, अनुराग पांडे नाम है हमारा। और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट सर्किट। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 स्टेट्स अपने आप में काफी डाइवर्स हैं। यहाँ के नेचुरल लैंडस्केप की ब्यूटी आपको आश्चर्य में डाल देगी। बट अनफॉर्चुनेटली इतने रिच नेचुरल लैंडस्केप और डाइवर्स कल्चर होने के बावजूद भी ये सभी टूरिस्ट सर्किट्स में सबसे कम एक्सप्लोर टूरिस्ट सर्किट है, जिसमें कनेक्टिविटी और इंसर्जेंसी दो मेन रीजन है। लेकिन बीते कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी भी बढ़ी है और इंसर्जेंसी भी काफी हद तक कम हुई है। देखा जाए तो नॉर्थ स्टेट के इन सभी 8 राज्यों की अपने हिस्ट्री और अपना कल्चर है। इवन नॉर्थ ईस्ट के एक ही स्टेट में आपको डिफरेंट एथनिसिटी और डिफरेंट कल्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ किसी भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी डाइवर्स और अट्रैक्टिव चीजें मौजूद हैं, जैसे कि डिफरेंट नेचुरल लैंडस्केप, रेयर एंड यूनिक फ्लोरा एंड फौना, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, यूनिक कल्चर, इंडिजीनियस स्पोर्ट्स और फोक आर्ट्स व हैंडीक्राफ्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों, इस सर्किट की अगर कुछ मेजर डेस्टिनेशन की बात करें तो उनमें मेघालय की ऑर्किड लेक रिजॉर्ट, क्रांगसूरी वाटरफॉल और उमियाम लेक व्यू शामिल है। इसके अलावा त्रिपुरा की गुनाबटी और भुवनेश्वरी टेम्पल और मणिपुर में खोंगजोम और इम्फाल मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सेरांग मोनेस्ट्री और सेला लेक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। हिमालयन सर्किट। दोस्तों, हिमालय हमेशा से अपने नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचरस टूरिज्म के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। इंडिया में हिमालयाज का एक्सपेंशन जितना वास्ट है, उतनी ही डाइवर्स और वास्ट उसकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हैं। देखा जाए तो इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स शामिल हैं, जो अपने ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप की वजह से नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। अगर हम हिमालयन सर्किट के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो खारदुंग विलेज, सकुरू गांव, कारगिल में जोरावर फोर्ट, त्राल और नारिस्तान जैसे चैलेंजिंग और एडवेंचरस टूरिस्ट प्लेसेस शामिल हैं। वहीं मानसबर लेक, राजौरी नेशनल पार्क, शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी इसी सर्किट में शामिल हैं। कृष्णा सर्किट। बेसिकली कृष्णा सर्किट एक रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट है। कृष्णा सर्किट का मेन फोकस हरियाणा और राजस्थान स्टेट्स में उन साइट्स को डेवलप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ट्रांसफॉर्म करने का है, जिनसे भगवान श्री कृष्ण का संबंध रहा है। दोस्तों, इस टूरिस्ट सर्किट के मेजर डेस्टिनेशन की बात करें तो इसमें महाभारत पीरियड का फेमस प्लेस कुरुक्षेत्र शामिल है। इसके अलावा राजस्थान का गोविंद देवजी टेम्पल, खाटू श्यामजी टेम्पल और चरण मंदिर भी शामिल है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है।
दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें सीसेट की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेस्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोर्स को मात्र 7,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बुद्धिस्ट सर्किट। दोस्तों भगवान बुद्धा के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, क्योंकि भगवान बुद्धा का संबंध भारत के साथ ही साथ आज के नेपाल के साथ भी रहा है। इसलिए भगवान बुद्धा को मानने वाले लोगों के लिए इन दोनों ही देश में सर्किट के डेस्टिनेशंस मौजूद हैं। देखा जाए तो इस टूरिस्ट सर्किट में भगवान बुद्धा के बर्थ प्लेस, एनलाइटमेंट प्लेस, सेरेमन प्लेसेस और महापरिनिर्वाण जैसी इंपॉर्टेंट साइट्स के साथ ही साथ उन सभी साइट्स को इंक्लूड किया गया है जिनका संबंध किसी न किसी रूप में भगवान बुद्धा से रहा है। इस सर्किट के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो इसमें बिहार से बोधगया, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर और मध्य प्रदेश में सांची, मंदसौर और धर जैसे प्लेसेस तो इंक्लूड हैं ही। इसके अलावा गुजरात का बाबा प्यारे क्यों, खपरा कोडिया, आंध्र प्रदेश का अमरावती और अनूपपुर जैसी लेस नोन प्लेसेस भी इंक्लूडेड हैं। ट्राइबल सर्किट। दोस्तों भारत में नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जितना वास्ट ट्राइबल कल्चर देखने को मिलता है उतना शायद ही किसी और देश में मिलता हो। भारत के ट्राइब्स अपने यूनिक लाइफस्टाइल और कल्चर के लिए काफी मशहूर हैं। वे अपने इंडिजिनियस कल्चर को लेकर इतने सेंसिटिव हैं कि उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में अपने रिलीजियस और कल्चर पर हुए कॉलोनियल अटैक का पूरी ताकत के साथ विरोध किया। इवन इस मॉडर्न एरा में भी उन्होंने अपने कल्चर और वैल्यूज को प्रिजर्व रखा है। ट्राइबल सर्किट वैसे टूरिस्ट के लिए एक शानदार मौका है जो ट्राइबल लाइफस्टाइल, कल्चर, ट्रेडिशंस और आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फिलहाल ट्राइबल सर्किट्स के अंतर्गत कुछ ही स्टेट्स को शामिल किया गया है जिसमें तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और नागालैंड शामिल हैं। कोस्टल सर्किट। दोस्तों भारत का कोस्टल एरिया भी इंडिया के मेनलैंड जितना ही डाइवर्स है। इंडिया की टोटल कोस्टल लेंथ 7,516.4 किलोमीटर है। इसमें 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के अलावा 2 मेन आइलैंड्स यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार शामिल हैं। अगर एक्सटेंशन और डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोस्टल सर्किट इन सभी 15 टूरिस्ट सर्किट्स में सबसे एक्सटेंसिव और डाइवर्सिफाइड सर्किट है। दोस्तों कोस्टल सर्किट के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए तो इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में स्थित सेलुलर जेल और नेशनल मेमोरियल हिस्टोरिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा अदर कोस्टल स्टेट्स की टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो उसमें पुडुचेरी में डबरायपेट, तमिलनाडु में कन्याकुमारी और रामेश्वरम, आंध्र प्रदेश में इराकुम और वेनाडु आइलैंड्स और ओडिशा में बरकुल इस सर्किट के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। साथ ही महाराष्ट्र का विजयदुर्ग बीच और गोवा का अनुजा बीच कोस्टल सर्किट के फेमस अट्रैक्टिव साइट्स में मौजूद हैं। इको टूरिज्म। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में इको टूरिज्म की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी से जब भी कभी लोगों को टाइम मिलता है तो वो सुकून की तलाश में प्रकृति के नजदीक पीसफुल एनवायरनमेंट में जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा लोगों में एनवायरनमेंट को लेकर भी नई समझ विकसित हुई है। बेसिकली इको टूरिज्म टूरिस्ट और नेचर के बीच ब्रिज का काम करता है। देखा जाए तो इस टूरिस्ट सर्किट में ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सेलेक्ट किया गया है जहां नेचुरल लैंडस्केप और नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा है। दोस्तों सर्किट में जहां उत्तराखंड का सिरेन, टिहरी लेक और चंबा शामिल हैं, वहीं मध्य प्रदेश का सैलानी आइलैंड और ओमकारेश्वर को इसमें जगह मिली है। इसके अलावा सर्किट में झारखंड से दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेतला नेशनल पार्क और कोयल रिवर व्यू पॉइंट जैसे नेचुरल साइट्स को जगह मिली है। इसके अलावा इको टूरिस्ट सर्किट इन साउथ इंडिया से 2 स्टेट्स को शामिल किया गया है जिसमें सिंगोत्तम रिजर्वायर और अक्का महादेवी केव्स तेलंगाना का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहीं वागामोन और इडुक्की केरल का मेजर इको फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों सर्किट में नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट यानी कि मिजोरम को जगह मिली है। इसमें मिजोरम के बेरावटलांग और राव पुचिप साइट्स को भी इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का प्लान है। दोस्तों जैन धर्म तीर्थंकर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसने जैन यानी सभी प्रवृत्तियों पर विजय हासिल कर जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा ली है, साथ ही दूसरों को भी इस पाथ को अचीव करने में मदद करता हो। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिसमें भगवान महावीर 24th और अंतिम तीर्थंकर थे और राजस्थान, गुजरात, बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स तीर्थंकर टूरिस्ट सर्किट के मेजर डेस्टिनेशंस हैं। रामायण सर्किट।
दोस्तों, कृष्णा सर्किट के जैसे रामायण सर्किट एक रिलीजियस सर्किट का हिस्सा है। फिलहाल इस सर्किट में भगवान श्री राम से जुड़े उन साइट्स को शामिल किया गया है जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिनमें भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, लक्ष्मण किला और चित्रकूट इस सर्किट के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। स्पिरिचुअल सर्किट। दोस्तों, भारत अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही प्राचीन काल में विश्वगुरु कहा जाता था। आज के इस मॉडर्न एरा में न सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट बल्कि काफी बड़ी संख्या में फॉरेनर्स भी स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए इंडिया आते हैं। इसलिए स्वदेश दर्शन योजना में एक डेडिकेटेड स्पिरिचुअल टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, इस टूरिस्ट सर्किट में पुडुचेरी के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, मणिपुर के श्री श्री गोपीनाथ मंदिर और राजस्थान के भर्तृहरि टेम्पल्स को मेजर स्पिरिचुअल साइट्स के रूप में चुना गया है। इसके अलावा सर्किट में पुडुचेरी के ही विनोदपू अन्नाई चर्च और केरल के कैल्डियन सीरियन चर्च को जगह मिली है। साथ ही बिहार से पटना और वैशाली और यूपी से कौशाम्बी और मिर्जापुर को भी स्पिरिचुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया गया है। सूफी सर्किट। भारत में आदिकाल से सूफी संतों की एक लंबी परंपरा रही है। सूफी कल्चर मेनली कम्युनल हार्मनी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर फोकस करता है। देखा जाए तो सूफी संगीत से हम सभी भली भांति परिचित हैं। आज सूफी म्यूजिक और आर्ट की उनकी यूनिकनेस की वजह से ही इसे एक अलग पहचान मिली है। दोस्तों, सूफी टूरिस्ट सर्किट के तहत बिहार और यूपी के कई सूफी साइट्स को आइडेंटिफाई कर उनके डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हेरिटेज सर्किट। भारत अपनी रिच हेरिटेज की वजह से हेरिटेज टूरिज्म का हॉटस्पॉट रहा है। देखा जाए तो इस हेरिटेज में कुछ मैनमेड मॉन्यूमेंट्स हैं, तो कुछ नेचुरल और कुछ मिक्स। भारत के रिच हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के पीछे इसके अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इंडिया के रिच हेरिटेज कल्चर को इस फैक्ट से भी समझा जा सकता है कि यूनेस्को ने इंडिया में अब तक 42 साइट्स को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया है। इसके अलावा इंडिया ने 50 हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट भी बनाई है जो इन फ्यूचर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बन सकता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये प्रयास रहा है कि हेरिटेज सर्किट में ऐसे हेरिटेज साइट को सिलेक्ट किया जाए जो लेस नोन और लेस एक्सप्लोर्ड हैं। इस सर्किट में यूपी के कालिंजर फोर्ट, शोलम चौपाल, एमपी से इटालियन गार्डन, बैजाताल और ग्वालियर फोर्ट के साथ ही गुजरात से अंबाजी कोठा लेक और शर्मिष्ठा लेक को भी जगह मिली है। इसमें उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना, पुडुचेरी और पंजाब के भी कुछ हेरिटेज साइट शामिल हैं। वाइल्ड लाइफ सर्किट। दोस्तों, इंडिया अपने वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की वजह से कई तरह के फ्लोरा और फौना का हब रहा है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने इसके प्रोटेक्शन के लिए अब तक 106 नेशनल पार्क, 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 88 कंजर्वेशन रिजर्व्स और 127 कम्युनिटी रिजर्व बनाए गए हैं। दोस्तों, फ्लोरा एंड फौना के वास्ट रेंज को देखते हुए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने कई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी वाइल्ड लाइफ सर्किट के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया है। इस सर्किट में फिलहाल असम और मध्य प्रदेश के ही कुछ मेजर वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ही शामिल किया गया है, जिसमें असम से मानस, काजीरंगा डिब्रू और मध्य प्रदेश से पन्ना, बांधोगढ़ और संजय नेशनल पार्क शामिल हैं। डेजर्ट सर्किट। दोस्तों, इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन अपने आप में काफी यूनिक है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट टेरेन्स भी देखने को मिलता है। एक और जहां लद्दाख में कोल्ड डेजर्टेड प्लेस देखने को मिलता है, वहीं राजस्थान में थार का हॉट डेजर्ट भी देखने को मिल जाता है। वर्तमान में डेजर्ट सर्किट में राजस्थान के ही कुछ डेस्टिनेशंस को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें शाकम माता टेंपल और सांभर साल्ट लेक को सर्किट में शामिल किया गया है। इसके अलावा गुजरात में कच्छ के एरिड लैंड को जिस तरीके से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया गया है, वो डेजर्ट टूरिस्ट सर्किट के लिए एक मॉडल हो सकता है। दोस्तों, लास्ट है रूरल सर्किट। भारत को गाँव का देश कहा जाता है और भारत की आत्मा भी गांव में ही बसती है। अगर कोई भारत को सही मायनों में जानना चाहता है तो उसे कुछ दिन तो गांव में जरूर गुजारना होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने रूरल सर्किट को डेवलप करने के लिए प्लान बनाया है और बिहार का तुर्का नलिया व चंद्रिया थीम पार्क इसी रूरल सर्किट का पार्ट है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने टूरिज्म सेक्टर में रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है। भारत खुद को टूरिज्म सेक्टर में अपनी ब्रांडिंग के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है। इसी का रिजल्ट है कि 2023 के पहले 6 मंथ में फॉरेन टूरिस्ट में पिछले साल के कंपैरिजन में 106% की ग्रोथ हुई है। देखा जाए तो टूरिस्ट सर्किट के द्वारा टूरिज्म मिनिस्ट्री ने लेस नोन और लेस एक्सप्लोर टूरिस्ट साइट को भी लाइमलाइट में लाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने और हाई वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए काफी काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो टूरिस्ट सर्किट में इंक्लूडेड जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को वर्ल्ड क्लास बनाने की जरूरत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का भी ध्यान रखा जाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अलग अलग टूरिस्ट सर्किट की अपनी अलग कैपेबिलिटी और डिमांड है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि रिलीजियस, स्पिरिचुअल
या फिर इको टूरिस्ट सर्किट की कोर वैल्यूज और इकोलॉजिकल बैलेंस बनी रहे, साथ ही हॉस्पिटैलिटी और लैंग्वेज स्किल को एनहेंस करने के लिए टूरिज्म प्रोफेशनल को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए स्किल्ड वर्कफोर्स में बदलने की जरूरत है, जिससे इन टूरिस्ट प्लेसेस पर हेल्दी और वेलकमिंग एनवायरनमेंट बन सके। इन सब के अलावा सेफ्टी मेजर्स को भी प्रायोरिटी देने की जरूरत है, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सेफ्टी की बात हो या फिर टूरिस्ट की सेफ्टी की, जिसमें स्पेशली विमेन और फॉरेन टूरिस्ट शामिल हैं। इसके अलावा टूरिस्ट सर्किट को और डाइवर्सिफाइड करने की जरूरत है, जिससे टूरिज्म सेक्टर के सोर्स ऑफ इनकम भी डाइवर्सिफाइड हो सके। इसके लिए टूरिस्ट सर्किट को एडवेंचरस टूरिस्ट सर्किट और वेलनेस टूरिस्ट सर्किट को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने की बात कही गई है, उसको अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत डेवलप किया जाए तो हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और सस्टेनेबल ग्रोथ दोनों को मेंटेन करना पॉसिबल होगा। साथ ही रूरल इको और वाइल्ड लाइफ सर्किट जैसे सेंसिटिव टूरिस्ट सर्किट के लिए भूटान की तरह हाई वैल्यू लो वॉल्यूम अप्रोच को अडॉप्ट करने की जरूरत है, जिससे टूरिस्ट सर्किट सस्टेनेबल बने रह सके। दोस्तों, किसी भी देश का टूरिज्म सेक्टर उस देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के अलावा उस देश की वर्ल्ड वाइड ब्रांडिंग का सबसे इफेक्टिव मींस होता है। इसलिए टूरिस्ट के लिए फ्रेंडली और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना इस सेक्टर की फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। देखा जाए तो टूरिज्म सेक्टर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग किसी भी एडवर्टाइजमेंट मेथड के कंपैरिजन में पीपल टू पीपल ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए स्वदेश दर्शन योजना में सरकार ने टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करने के साथ ही साथ टूरिस्ट प्रोफेशनल के स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रही है। किसी भी टूरिस्ट को इन सभी टूरिस्ट सर्किट के जरिए जितने डाइवर्स डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के मौके यहाँ पर मिलेंगे, शायद ही वो कहीं और पर पॉसिबल हो। दोस्तों, अतिथि देवो भवा वाले इनक्रेडिबल इंडिया की पहचान हमेशा से एक अच्छे होस्ट नेशन की रही है। अगर इंफ्रा, कनेक्टिविटी और सेफ्टी मेजर्स पर काम किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि ब्रांड इंडिया का ये टूरिस्ट सर्किट भी वर्ल्ड टूरिज्म के मैप में खुद को एस्टैब्लिश करने में सफल होगा। साथ इंडिया धर्मशाला डिक्लेरेशन में से 2047 तक टूरिस्ट के वर्ल्ड लीडर बनने के गोल को भी अचीव कर पाएगा। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आज का मेन्स क्वेश्चन है, प्रमोटिंग थीम बेस्ड सर्किट्स अंडर स्वदेश दर्शन सपोर्ट्स टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन एलुसिडेट बाय टेकिंग केस स्टडीज ऑफ एनी टू सर्किट्स डेवलप्ड अंडर द स्कीम। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।